नमस्कार, मैनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। आवारा घूम रही गायों के किसानों की फसल बर्बाद किए जाने से झुंड में घूमने से आए दिन बड़े हादसे देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद गायों को लाठी डंडे से घेर कर उन्हें रामलीला मैदान में बंद कर दिया गया। देखिए हमारे संवाददाता गुलजार अहमद की ये रिपोर्ट। आवारा घूम रहे गौवंश द्वारा किसानों की फसल का किए जा रहे नुकसान व आए दिन गौवंश द्वारा लोगों को चोटिल किए जाने को लेकर सर्किल द्वारा खबर प्रकाशित की गई थी। साथ ही जगह जगह हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए शासन प्रशासन के आदेश के बीच नगर में पंचायत भोगाओं के कर्मचारियों ने लाठी डंडों से लैस होकर रामलीला मैदान में आवारा घूम रहे गौवंश को नगर पंचायत रामलीला पंडाल में बंद किया। तहसील प्रशासन द्वारा शासन की मंशा को देखते हुए गौवंश को एकत्रित कर रामलीला मैदान के पंडाल में बंद तो कर दिया गया, लेकिन खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। पास ही बने नगर पंचायत के मैरिज होम में इसके समर से गौवंश के लिए पानी की व्यवस्था की गई। पानी व खाने के लिए लगभग एक दर्जन नांद भी रखवाई गई। इस संबंध में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उनका फोन नहीं उठा। नगर पंचायत के वरिष्ठ लिपिक आकाश वर्मा ने बताया कि गौवंश के खाने के लिए भूसे आदि की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही वैकल्पिक गौशाला में जो भी कमी है बहुत जल्दी वो पूरी कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। क्या नाम तुम्हारा? ये चोट कैसे लगी? गाय जो घट्टी कर रहे थे, गाय से चोटिल हुए?